Hello guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. I am Punita Gupta and today we are going to discuss most important meteorology MCQs which is very helpful for all competitive exams like JRF, SRF and AFO. If you are new in this channel, please subscribe our channel Agriculture and GK. ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप प्रीमियम है. इफ़ यू जॉइन दिस ग्रुप वी विल सेंड यू द बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस और डाउट्स. ओल्ड क्वेश्चन पेपर रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन एंड वी विल सेंड यू द ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सोलर रेडिएशन प्रोड्यूसेस बाय विच प्रोसेस. प्रोसेस इज न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच फोर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन एंड फॉर्म वन हीलियम एटम एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट. सेकेंड इज सोलर एनर्जी ट्रेवल्स टू स्पेस इन डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज फोटोन. फोटोन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज नो चार्ज एंड जीरो एब्सोल्यूट मास. थर्ड इज व्हाट इज सोलर कांस्टेंट ऑन अर्थ. सो वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज 1.94 लैंजले वेयर लैंजले इज अ यूनिट ऑफ हीट ट्रांसमिशन स्पेशली यूज टू एक्सप्रेस रेट ऑफ सोलर रेडिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट इज इमिटेड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ टेम्परेचर अबाउ एब्सोल्यूट जीरो नोन एज रेडिएशन. रेडिएशन इज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर डेट डज नॉट रिले अपॉन एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ विजिबल सोलर रेडिएशन. आंसर इज ए 400 to 700 nm. वी यूज दिस वेवलेंथ टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स और इच अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लॉ स्टेट्स डेट अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन इज ऑल्सो अ गुड इमिटर अंडर सिमिलर कंडीशन. डेट इज किरचॉफ्स लॉ गिवन इन द ईयर 1860. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दिस वेवलेंथ हैज मैक्सिमम एनर्जी. आंसर इज 0 to 300 nm. सो बिहाइंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट इज जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे वेव्स की फ्रिक्वेंसी एंड एनर्जी घटती जाती है. सो वी चूज हेयर लोवेस्ट वेवलेंथ 0 to 300 nm एंड 1 nm इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ m. सोलर रेडिएशन मेजर्ड बाय. आंसर है पायरेनोमीटर. थर्मोमीटर इज यूज फॉर टेम्परेचर मैनेजमेंट मेजरमेंट. हाइग्रोमीटर इज यूज फॉर ह्यूमिडिटी मेजरमेंट एंड बैरोमीटर यूज फॉर एटमोस्फियरिक प्रेशर मैनेजमेंट. नेक्स्ट अ सर्टन पार्ट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस बाय द अर्थ नोन एज अल्बेडो. अल्बेडो को हम परसेंटेज में मेजर करते हैं एंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अल्बेडो फ्रेश स्नो का होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टन अदर ऑर्गेनिजम्स यूज द एनर्जी ऑफ लाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द सिंपल ग्लूकोज. प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस. रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल एंड इट इज फाइंड इन लीव्स. अकॉर्डिंग टू विच लॉ द एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ
fourth power of its absolute temperature. This is a very famous statement of Stephen's law, given in the year 1860. Next, the instrument able to record almost all meteorological data by desired interval at any time and any place is automatic weather station. While station screen is a type of shield, जो इंस्ट्रूमेंट्स को प्रेसिपिटेशन एंड डायरेक्ट हीट रेडिएशन से बचाता है. नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड द विंड डायरेक्शन. द इंस्ट्रूमेंट इज विंड वैन. व्हाइल एनोमीटर इज मेजर्ड विंड स्पीड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड for measure wind speed. As we previously discussed, the instrument is anemometer. Next, instrument used for record atmospheric pressure. Used answer is B, barometer. While lux meter is used to measure brightness of any objects. So next question is relative humidity measured by hygrometer. Next question is evaporation measured by evaporimeter and albedo meter used for measure albedo or reflecting radiation from any surface. Next question is continuous temperature recorded by which instrument, that is thermograph. Lux meter, as we previously discussed, and barograph is used for measurement of atmospheric pressure as a form of graph. Next, which instrument record temperature without contact the object, that is infrared thermometer, which is mostly used in remote sensing and we can measure a temperature of the forest from this method. Next, 20 is combination of dry bulb and wet bulb thermometer used for. So that is used for relative humidity and we express humidity in the percentage. Next question is gaseous envelope surrounding the earth known as atmosphere, while biosphere is where all living organism like plants and animals live, called biosphere. Hydrosphere is all the water bodies present in the earth is known as hydrosphere. Next question is 22. In physics, an idealized object that absorbs all electromagnetic radiation falling on it known as black body. Okay friends, the next question is the circulation of the atmosphere occurs due to, answer is D, thermal differences. Next question is what is the height of troposphere? It is a layer of atmosphere height is 0 to 16 kilometer. In tropospheres,
all weather phenomenon like mist, fog, precipitation and rain occurs. Next question is, which phenomenon is responsible for maintaining Earth's temperature for life? Answer is B, greenhouse effect. All knows about greenhouse effect. Greenhouse effect gaseous envelope surrounding the earth known as atmosphere, while biosphere is all the place where plants and animals can live called as biosphere. Hydrosphere is all the water on the earth's surface. Next question is, in physics, an idealized object that absorbs all electromagnetic radiation falling on it known as black body. Next question is, the circulation of the atmosphere occurs due to, answer is D, thermal differences. Next, what is the height of troposphere? Troposphere is the layer of atmosphere in which all weather phenomenon like rain, mist, fog occurs. Height of troposphere is 0 to 16 km. Next, which phenomenon is responsible for maintaining Earth's temperature for life? Answer B, greenhouse effect. Responsible gases for greenhouse effect are carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. Next question is, what is the dry adiabatic lapse rate in troposphere? That is 6.5 Celsius per kilometer. Lapse rate can be defined as a vertical temperature decrease gradient. Next question is, in which part of atmosphere the ozone layer located? Answer is stratosphere. Stratosphere is the warmest layer of the atmosphere, in the atmosphere, which of the following gases account for 99.0% by volume? Answer is nitrogen, oxygen and carbon dioxide. Percentage of those gases are nitrogen 78%, oxygen 20.95%, carbon dioxide 0.03%. Plants produce oxygen through which process? The answer is B, photosynthesis. In this process, oxygen and water form. Next question, which type of gases is highly detrimental for ozone layer? These gases are halogenated gases. Example are chlorofluorocarbon, HFCF, HFC, etc. The percentage of water vapor in atmosphere by volume, answer is 0 to 4%. Next, what is the reason the incoming solar radiation in the form of shortwave radiation, but after striking the Earth's surface, it will be converted into long wave radiation? So cause is surface temperature. Next question is, what is the height of atmosphere? Height of atmosphere is 0 to 500 kilometer. Let's talk about atmosphere. Atmosphere has layers like
ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। इन विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल टाइप ऑफ वेदर फिनोमिनन ऑकर? एज वी प्रीवियसली डिस्कस, लेयर इज ट्रोपोस्फीयर, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एग्रीगेशन ऑफ माइन्यूट ड्रॉप्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन द एयर एट हायर एल्टीट्यूड टर्म एज क्लाउड्स। Fog is a thin clouds, while frost is a feathery deposition of ice in the atmosphere. Haze is smoke, dust or other particles suspended in the air is known as haze. Unit octa used to record which weather phenomenon? That is clouds. Next, imaginary line that represent the equal rainfall term S. Answer is isohyte. Isophen are lines connecting points of similar seasonal phenomenon, while isotake are imaginary line that connecting point of equal wind velocity. World Meteorological Organization WMO, situated in Geneva, Switzerland, established in the year 1950, classified the cloud in, answer is in 10 parts. India receives maximum rainfall by, options are southwest monsoon, northeast monsoon, cyclones or hurricanes. So answer is southwest monsoon. Southwest monsoon is a source of 75% of rainfall of India, which cloud known as rainy cloud? Answer is cumulonimbus clouds. Question 41. In which part of atmosphere rainy clouds are formed? Answer is lowest atmospheric level, troposphere. The process in which the water vapor is converted into its liquid term as condensation. Next, name of science branch in which the collection and interpretation of information about a target without being in a physical contact with it. Very simple question. It is remote sensing. It is a widely used in agriculture to collect soil moisture data, water resource mapping, and also used in land use monitoring system. Next question is, satellite which move around to North Pole to South Pole known as polar satellite. Next, what is the name of the world first artificial satellite, that is Sputnik first, released by Soviet Sangh October 4, 1957. Next, 46. The 100 meter length of represent by 10 centimeters of the map called as scaling down. This is all terms trim, depth and magnitude related to map. Next question is, at which height the satellite moves in space?
आंसर इज 36,000 किलोमीटर अबाउ फ्रॉम द अर्थ सरफेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोलर रेडिएशन प्रोड्यूसेस बाय विच प्रोसेस. एज वी प्रीवियसली डिस्कस न्यूक्लियर फ्यूजन. इन न्यूक्लियर फ्यूजन फोर हाइड्रोजन एटम्स फॉर्म वन हीलियम एटम एंड एनर्जी रिलीज्ड. सोलर एनर्जी ट्रेवल्स टू स्पेस इन डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज फोटोन. विच ग्रीन हाउस गैस लिंक्ड विद राइस क्रॉप. एवरीवन नोज दैट इज मीथेन. मीथेन इज रिलीज्ड फ्रॉम राइस क्रॉप बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द ऑर्गेनिक मैटर. इट इज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इज रिलीज्ड इन एयर अंडर द एटमोस्फियरिक कंडीशन ऑफ. आंसर इज वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट. लैप्स रेट इज अ वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज ग्रेडियंट. नेक्स्ट इज इन स्ट्रेटोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. स्ट्रेटोस्फीयर हैज हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फियर एंड ऑल्सो हैज ओजोन लेयर. नेक्स्ट सरफेस हैज द लोवेस्ट अल्बेडो इन विजिबल रेडिएशन. आंसर इज सी वॉटर. हाइएस्ट अल्बेडो फ्रेश वॉटर स्नो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी सर्क्युलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अर्थ सरफेस इज कॉल्ड साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स. साइक्लोन इज रफली सर्क्युलर लो प्रेशर एरिया. इट हैज द लोवेस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन सेंट्रल रीजन. लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस हैविंग इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज आइसोबार. आइसोथर्म आर इमेजिनरी लाइन्स डेट कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल टेम्परेचर. इंस्टेंटेनियस फिजिकल स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड. आंसर इज डी वेदर. अल्बेडो वैल्यूज ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड रेंजेस बिटवीन 0.18 टू 0.27. अल्बेडो इज अ रेशियो बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन फ्रॉम एनी सरफेस. क्वेश्चन 58. क्लाउड्स टाइप्स विच गिव्स द हैवी एंड कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन इज क्यूमुलोनिमस. WMO डिवाइडेड और क्लासिफाइड क्लाउड्स इन अ 10 पार्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज समेशन ऑफ मीन टेम्परेचर अबाउ थ्रेशहोल्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड GDD. GDD फुल फॉर्म इज ग्रोइंग डिग्री डेस यूज टू एस्टिमेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन. इट कैन बी मेजर प्लांट ग्रोथ. 60 ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर व्हीट क्रॉप इज बिटवीन 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस. इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. नेक्स्ट 61 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन विद इन प्लांट कैनोपी इज एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ. आंसर ए बीड्स लॉ. दिस लॉ डिपेंड ऑन
light transfer. Next question is 62. Changes of phase from solid to vapor or vice versa is known as, answer D, sublimation. Example of sublimations are Kapoor and dry ice sublimes. Next is 63. The average sea level pressure is equal to 1013 millibar. Next question is, heat transfer in soil takes place mainly through the process of, answer D, conduction. Conduction is a process of heat transfer in which objects are directly contact can exchange the heat. Next question is 65. Heat flux which remains dominant over a dry barren field is, answer A, sensible. Sensible heat, it is a form of heat which moving from one date changes the temperature of the system while not changes the phase of system. Thank you everyone. I hope all of these MCQs helps for your future. If you have any doubt about this video, please comment and like this video and follow us on Instagram.